नेहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आढ़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या-क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आजादी की लड़ाई थी। आजादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीले गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। चल रहा होगा।